नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाले। छत्तीसगढ़ राउंड अप में सबसे पहले बात करते हैं मंत्री कवासी लखमा के अनोखे अंदाज की। जी हां, सुकमा में मेले के दौरान मंत्री लखमा पर देवी सवार होने पर मंत्री कवासी लखमा झूमते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, मंत्री लखमा ने खुद पर कोड़े भी बरसाए। मंत्री के गृहग्राम नागराज में मेले का 3 दिवसीय आयोजन किया गया, जहां पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हुई। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर मंत्री कवासी लखमा का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। मंत्री कवासी लखमा पर देवी सवार हुई, उन्होंने खुद पर कोड़े भी बरसाए। मेले में मंत्री लखमा ने खुद पर कोड़े बरसाए हैं, ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा का ये अनोखा अंदाज देखने को मिला। आप कवासी लखमा की देख रहे हैं, उनका जुदा अंदाज रहा है, खुद पर कोड़े बरसाए हैं कवासी लखमा ने। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अनोखा अंदाज कवासी लखमा का। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, कुंवरपुर डैम में डूबने से 9 साल के मासूम की मौत हो गई। मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया। 4 साथियों के साथ शाम को नहाने गया था डैम, नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गया मासूम। लखनपुर थाना क्षेत्र के झाड़ीपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। कुंवरपुर डैम में डूबने से 9 साल के मासूम की मौत हुई है। मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया है। 4 साथियों के साथ शाम को नहाने पर गया था ये युवक, नहाने गया था डैम पर, नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब गया मासूम और उसकी मौत हो गई। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बनाई है कमेटी। चीतों की मौत को लेकर ये कमेटी बनाई गई है। कमेटी में 15 विशेषज्ञ शामिल होंगे और आपको बता दें 4 विदेशी एक्सपर्ट भी इसमें शामिल होंगे। कमेटी में सीसीएफ की प्रमुख, नामीबिया की लॉरी मार्कर भी शामिल है। चीतों की प्रोग्रेस और मॉनिटरिंग की समीक्षा होगी। 2 साल के लिए ये कमेटी बनाई गई है। हर महीने कूनों में कमेटी की बैठक होगी। कूनों में अब तक 3 शावकों के साथ 6 चीतों की मौत हो चुकी है। चीतों की मौत के बाद अब जो है कमेटी बनाई गई है। कमेटी में 15 विशेषज्ञ शामिल हैं और इसमें बता दें आपको 4 विदेशी एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। कमेटी में सीसीएफ की प्रमुख, नामीबिया की लॉरी मार्कर भी शामिल हैं। चीतों की प्रोग्रेस और मॉनिटरिंग की समीक्षा की जाएगी। बता दें 2 साल के लिए कमेटी बनाई गई है। हर महीने कूनों में कमेटी की बैठक भी होगी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने यह कमेटी बनाई है। चीतों की मौत को लेकर यह कमेटी बनाई गई है। बता दें आपको पिछले 2 महीनों में 6 चीतों की अब तक मौत हो चुकी है, जिस पर कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो चीतों की मौत लगातार हो रही है, और जो व्यवस्थाएं वहां पर जो होनी चाहिए पर्याप्त क्या वो नहीं है जिस वजह से चीतों की मौत हो रही है। तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं वन विभाग के ऊपर, विभाग के प्रबंधन के ऊपर, पर अभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। अब कमेटी बनाई गई है, कमेटी जांच करेगी, पड़ताल करेगी, मॉनिटरिंग करेगी कि आखिर किस तरह से चीतों को रखना है और आखिर क्या वजह रही जो चीतों की मौत लगातार हो रही थी। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, चीतों की मौत को लेकर अब कमेटी बनाई गई है, 15 विशेषज्ञ इसमें शामिल रहेंगे, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? रितु जी, केंद्र सरकार के जो एनटीसीए है प्राधिकरण, उसने इस कमेटी को बनाया है और इस कमेटी में 15 एक्सपर्ट रखे गए हैं, जिसमें नामीबिया और साउथ अफ्रीका के भी एक्सपर्ट हैं। ये 4 विदेशी एक्सपर्ट भी हैं इस कमेटी में और इन सभी कमेटी के सदस्यों को कहा गया है कि जो चीतों की
जिस तरह से अभी मौत हुई है या जिस तरह से इनका कन्वर्सन के बाद से जिस तरह की दिक्कतें आ रही है, तो वो सभी मामलों की जांच ये कमेटी करेगी और ये चीतों के संरक्षण और चीतों को आगे किस तरह उनको रहवास की सुविधाएं या अगर कहीं शिफ्टिंग किया जाना, इस तरह के सभी सुझाव ये कमेटी देगी। इस कमेटी को कहा गया है कि ये हर महीने में एक बार बैठक करेगी और ये कमेटी ऐसा माना जा रहा है कि क्योंकि अभी लगातार चीतों और शावकों की मौत हुई है, तीन चीते मर चुके हैं और तीन शावक, तो इतनी सारी मौतों के बाद ये कमेटी जल्द ही कुनों का दौरा करेगी और ये कमेटी उसके बाद देखेगी कि यहाँ पर इन्हें किस तरह की दिक्कत आ रही है और अगर इनकी मौतें हो रही हैं लगातार तो उसके पीछे की वजह क्या है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर ये कमेटी अब जांच करेगी आगे और उसके बाद कमेटी सिफारिश करेगी कि हमें किस तरह का सुधार करना है और चीतों को अगर कहीं शिफ्ट किया जाना है तो वो किस जगह शिफ्ट किया जाए, इस तरह के सभी तमाम बिंदुओं पर ये कमेटी जांच करेगी। अब वाकई कमेटी बनाई तो गई है शैलेंद्र और जांच भी करेगी, मॉनिटरिंग होगी और सभी मुद्दों पर मंथन होगा, हर महीने बैठक भी होगी, पर ऐसा नहीं लगता ये कमेटी शायद कुछ टाइम पहले बनी होती तो और शायद जितने चीतों की मौत हुई है वो नहीं होती। देखिए तो जिस तरह की बातें आ रही है, क्या चीतों को शिफ्टिंग के बाद से लगातार मॉनिटरिंग की तो चल ही रही थी और ये भी हो रहा था कि नामीबिया की टीम भी यहाँ थी, साउथ अफ्रीका से जो चीता है उनके लिए भी टीम आई हुई थी और एक्सपर्ट तो लगातार नजर रखे थे। लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ पर कुनों में जिस तरह का टेम्परेचर हाई हुआ है, अभी जो शावक मरे हैं उनके पीछे ही बताया जा रहा है कि उस दिन सबसे ज्यादा तापमान था और इतनी ज्यादा गर्मी थी कि वो चीते उसको सहन नहीं कर पाए शावक, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि कमेटी थोड़ा जल्दी बन सकती थी, पर अब लगातार मौतों के बाद सरकार एक्टिव हुई है और लगातार सभी तरह के उपाय अब किए जाने लगे हैं। ठीक ठीक ठीक, इसी बीच एक बड़ी खबर है शैलेंद्र, लौटूंगी आपके पास, बहुत शुक्रिया। कुनो में चीतों की मौत पर डॉक्टर लॉरी मार्कर ने चिंता जताई है। डॉक्टर लॉरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में जानकारी दी। डॉक्टर लॉरी ने चीतों की मौत को सामान्य बताया है। चीतों की मौत से दुखी हूं, सर्वाइवल चुनौती है। चीते के शावक को बचाने की कोशिशें लगातार जारी है। चीतों की देखभाल कर रहे हैं डॉक्टर और डॉक्टरों से लगातार मैं संपर्क में हूं। चीता कंजर्वेशन फंड की प्रमुख हैं डॉक्टर लॉरी मार्कर। नामीबिया के CCF ने भी भारत को चीते दिए हैं। चीते के शावकों को जिंदा रखना चुनौतीपूर्ण होता है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, डॉक्टर लॉरी मार्कर ने चिंता जताई है। लॉरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, जानकारी दी और ये जो मौत हुई है उसको सामान्य मौत बताया है। चीतों की मौत से दुखी भी हैं वो, उन्होंने कहा और कहा कि चीते के शावक को डॉक्टर बचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर लॉरी मार्कर ने चिंता जताई है इस पूरे ही मसले पर लेकर। और हमारे साथ खास जानकारी के लिए सुधीर दीक्षित हैं, एडिटर हैं, वो जुड़ गए हैं। सुधीर जी, अब कमेटी का गठन तो कर दिया गया है, कमेटी है, निगरानी करेगी, मंथन करेगी कि आखिर क्या वजह रही जो मौतें लगातार हो रही हैं और किस तरह से अब सेफ रखा जाए बाकी चीतों को, इस पर डॉक्टर लॉरी ने भी कहीं ना कहीं दुख व्यक्त किया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये चीतों की मौत की खबरें आ रही हैं और लगातार चीतों की मौत हो रही है, जब पहली बार चीतों की मौत हुई थी तब भी कहा गया था कि ये सामान्य घटनाक्रम है, क्योंकि चीतों के लिए जिस तरह का क्लाइमेट चाहिए होता है वैसे क्लाइमेट में उनको जिंदा रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो अभी थोड़ी देर पहले जब चीते के तीसरे शावक की मौत हुई तो हमने लॉरी मार्कर से बात की तो उनको हमने ये बताया कि भाई जो कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी में जो चार विदेशी विशेषज्ञों को शामिल किया गया है उनमें CCF जो है, चीता कंजर्वेशन फंड है जो नामीबिया का, उसकी प्रमुख डॉक्टर लॉरी मार्कर, इनको भी शामिल किया गया है। तो जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने इसे बताया कि ये बहुत दुखद घटना है लेकिन ये अनयूजुअल नहीं है, यानी कि ये कोई असामान्य घटना नहीं है, बहुत सामान्य घटना है, क्योंकि चीतों के जब भी जो बच्चे होते हैं, जो शावक होते हैं, उनको तकरीबन एक साल तक जिंदा रखने की चुनौती होती है।
क्योंकि अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज, अलग अलग तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं, ऐसे में उनको सुरक्षित रखने की चुनौतियां जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं। हालांकि उम्मीद ये कर रही है, साथ ही साथ उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि चीतों की संख्या या जो रिप्रोडक्शन है वो भारत में बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा, और जो चीते का एक बच्चा जो बचा है उसको हम लगातार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार वो जो डॉक्टर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं या जो टीम मॉनिटरिंग कर रही है उनके संपर्क में भी है, तो नामीबिया से भी वो लगातार नजर रखे हुए हैं। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से चीतों की देखभाल हो रही है, सारी चीजें हो रही है, वो वैसी ही हो रही है जैसी कि उनकी की जानी चाहिए, लेकिन कई बार जो होता है कि चीतों को जिंदा रखने की चुनौती जो है वो बड़ी बन जाती है, लेकिन कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, और धीरे धीरे भारत में जो है चीतों की कुनबा जो है वो बढ़ने लगेगा, और जैसे जैसे चीते मौसम के अनुकूल अपने आप को ढालते रहेंगे तो यहाँ पर आबादी भी उनकी बढ़ने लगेगी और धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन जहां तक ये शावकों की मौत का सवाल है तो ये चुनौती हमेशा से रहती है। वो चीते की बात नहीं, जितने भी वाइल्ड लाइफ के जो जानवर होते हैं, खास तौर से जिनको हम हिंसक जानवर बोलते हैं, इस तरह के जो जानवर होते हैं, उनमें ये चुनौती हमेशा से रहती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी। भोपाल से बड़ी खबर है, सौरभ जैन उर्फ सलीम मामले में न्यूज 18 का बड़ा खुलासा, एचईटी संदिग्ध आतंकियों से जुड़ा यह बड़ा खुलासा। आपको बताएं, सौरभ की पत्नी सुरभि उर्फ राहिला के भाई का सलीम पर आरोप है। सौरभ ने बनाया धर्मांतरण का दबाव, मुंबई में जाकिर नाइक से मिलकर धर्म परिवर्तन कराया। शादी के बाद सौरभ उर्फ सलीम अपनी ससुराल में रहता था, भोपाल के निषादपुरा क्षेत्र में अपनी ससुराल में रहता था। सुरभि के प्रोफेसर कमाल के संपर्क में रहने का संदेह जताया है। भोपाल के एक बड़े कॉलेज में पढ़ाती थी सुरभि। सुरभि के भाई मयंक ने न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा किया है, राहिला को जाकिर नाइक से मिलवाने सौरभ ले गया था, उसके बेटों के नाम यूसुफ और इस्माइल रखा। भगवान की पूजा करने को सौरभ मना करता था। एचयूटी के संदिग्ध जो पकड़े गए हैं आतंकी, अगर बात करें तो उनकी पूछताछ के लिए जो एटीएसए और उसके अलावा बात करें एनआईए की पुलिस आचारपुरा की पहाड़ियों तक पहुंची। आचारपुरा ये वही फेमस आचारपुरा है जहां पर सिमी इनकाउंटर हुआ था। यहां पर बने हुए आसपास के जो फार्म हाउस हैं, यहां पर बताया जा रहा कि जो संदिग्ध एचयूटी के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, आतंकी, उन्होंने यहां पर अपना समय बिताया था, यहीं पर रुके थे। इस तरह के फार्म हाउसों पर उन्होंने यहां रुके थे। काफी यहाँ पर सर्चिंग की गई, उसके अलावा बात करें तो यहाँ पूछताछ के लिए भी आए, और अलग बात करें तो यहाँ पर इस तरह ये आचारपुरा का ये आचारपुरा कहलाता अपना, आप आचारपुरा कहलाता है? हाँ, आचारपुरा कहलाता है। आचारपुरा की पहाड़ी पहाड़ी, और यहाँ पर अभी कुछ देर पहले पुलिस अधिकारी भी आए थे। हाँ, कुछ आए थे। कौन कौन आए थे? वही आए थे पुलिस के जो आला अफसर, जो बड़े अफसर होते हैं वही है। हाँ, डीआईजी, अब ये इसका पता नहीं, कंफर्म नहीं मुझे। क्या कितनी देर रुके हैं यहाँ? तो कुछ पूछताछ करने के लिए आए थे, तो हम तो अपना काम कर रहे थे, उसके अलावा तो बस चले गए। ये अच्छा, तो क्या पूछा उन्होंने फार्म हाउस वगैरह का? हाँ, ये पूछा था फार्म हाउस किसका क्या है, मतलब किसका नहीं, मतलब बोल रहे थे अब यहाँ का एड्रेस दे दे हमने, ये दो फार्म हाउस है भैया, चले जाइए आप, बस पूछताछ करके चले गए पुलिस अधिकारी। हाँ, कितनी गाड़ियाँ थी? एक गाड़ी थी। एक गाड़ी, तो क्या लग रहा पुलिस अधिकारी हैं वो लोग, आपको लग रहा था? हाँ, अधिकारी था पुलिस। उन्होंने बताया क्या बताया आपको? कुछ नहीं, मतलब वो तो ड्रेस में थे, यूनिफॉर्म में, तो बंदूक वगैरह थी? नहीं, ड्रेस में तो इतना नहीं देखा, गाड़ी में बैठे हुए थे वो, पूछा उनने, हमने कहा ठीक है। और फिर आपने क्या फार्म हाउस दिखाए? नहीं, हमने नहीं दिखाया, हम तो काम कर रहे थे, तो हमने भेज दिया ये है फार्म हाउस, चले जाइए दोनों। अच्छा, ठीक है। तो ये आचारपुरा की पहाड़ी है, यहाँ पर जो एनआईए और एटीएस को सूचना मिली कि आचारपुरा की ये पहाड़ी आपको दिखाया था सामने, वहां पर सिमी इनकाउंटर हुआ था उस आचारपुरा की पहाड़ी पे, और ये पूरी आचारपुरा की पहाड़ी है। और अगर बात करें तो इस तरह के फार्म हाउस पर जो संदिग्ध एचयूटी के मेंबर्स हैं, संदिग्ध सदस्य आतंकी हैं, उन्होंने इस तरह के आचारपुरा के फार्म हाउस पर आकर पनाह ली, यहाँ रुके, और इस तरह के यहाँ जहां जहां पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस वहां पहुंची, इस तरह के फार्म हाउस पर सर्चिंग की,
बताया जा रहा है कि इस तरह के स्विमिंग पूल में वो रुके, नहाए, यहाँ पर उन्होंने जो है फायरिंग की भी ट्रेनिंग ली, इस तरह की जगह पर उन्होंने काफी इंजॉयमेंट किया, रुखा और फार्म हाउस पर पूरी तरह से उन्होंने यहाँ पर आजादी से रहे। तो इस तरह के फार्म हाउस की जानकारी मिली पुलिस, ऐसे संदिग्ध जो फार्म हाउस बताए जा रहे हैं वहां पर पहुंची और लोगों से पूछताछ की और उसके बाद कई सारे सबूत इकट्ठे करके वो अचारपुरा से रवाना हुई। तो कह सकते हैं कि बड़ा इन्वेस्टिगेशन उनके हाथ में लगा है कि अचारपुरा में भी उन संदिग्ध एसयूटी के मेंबर्स ने फरारी काटी, यहाँ रुके और यहाँ से गतिविधि को अंजाम दिया। तो कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि भोपाल के आसपास किस तरह से इस तरह के जो फार्म हाउस को पनाहगार बना रखा था, और हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि वो यही फार्म हाउस है या फिर यही है, हालांकि क्योंकि यहाँ पर जो केयर टेकर है उनसे हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पुलिस अधिकारी आए, छानबीन की, पूछताछ की और ऐसे कई फार्म हाउस पर जाकर उन्होंने दबिश दी। कैमरा पर्सन मोहसिन खां के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 अचारपुरा। एचयूटी मामले में न्यूज 18 का यह बड़ा खुलासा है। एचयूटी आतंकियों ने अचारपुरा में ली थी पनाह, एक फार्म हाउस में पनाह ली थी, यही हुआ था सिमी आतंकियों का एनकाउंटर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एचयूटी आतंकियों ने अचारपुरा में पनाह ली थी, एक फार्म हाउस में पनाह ली थी, यही हुआ था सिमी आतंकियों का एनकाउंटर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, एचयूटी आतंकियों ने अचारपुरा में पनाह ली थी, एक फार्म हाउस में उन्होंने पनाह ली थी, बता दें यहीं पर सिमी आतंकियों का एनकाउंटर भी हुआ था और यहां पर ही इन्होंने पनाह ली थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं भोपाल से, ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। एचयूटी मामले में न्यूज 18 ने बड़ा खुलासा कर रहा है, बड़ी अपडेट आपको दे रहा है, एचयूटी आतंकियों ने अचारपुरा में पनाह ली थी और एक फार्म हाउस में इन्होंने पनाह ली थी, यहां पर रुके हुए थे, पनाहगार इन्हें बना रखा था, यहीं हुआ था सिमी आतंकियों का एनकाउंटर। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एचयूटी संदिग्धों के मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे होते जा रहे हैं, क्या ज्यादा जानकारी है इस पूरे मामले में अभी आपके पास? बिल्कुल, अगर बात करें तो एचयूटी के जो संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं भोपाल के पास अचारपुरा, उन्होंने अपनी पनाहगार बना रखी थी और यहाँ पर एक जो फार्म हाउस बताया जा रहा है, इस फार्म हाउस पर रुके, यहाँ पर वो सारी चीजों को तनाव दूर करते थे, स्ट्रेस दूर करते थे, ट्रेनिंग लेते थे। तो कह सकते हैं अचारपुरा के पास ये जो फार्म हाउस है, जहाँ पर अचारपुरा वही जगह है जहाँ पर सिमी इनकाउंटर हुआ था, जब जेल ब्रेक हुई थी उस दौरान सिमी इनकाउंटर भी इसी अचारपुरा की पहाड़ी पे हुआ था और इसी जगह को उन्होंने सेपरेट अपना एक पनाहगार समझ लिया था। और अचारपुरा का ये फार्म हाउस जहाँ पर न्यूज 18 की टीम पहुंची, वहाँ ये पता लगाया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार पुलिस मूवमेंट बना, पुलिस वहाँ पहुंचती है, एटीएस के अधिकारी पहुंचते हैं और हर फार्म हाउस की तलाशी लेकर वहां से जा चुके हैं। तो अचारपुरा का जो ये फार्म हाउस है अब फिर से सवालों घेरे में आ चुके हैं, और क्योंकि यहाँ पर एचयूटी के संदिग्ध आतंकी यहाँ पर रुके, उन्होंने ट्रेनिंग ली और यहाँ पर स्विमिंग पूल में उन्होंने नहाया भी है। जी, यहाँ पर रुके हुए थे, आखिर वहां पर जो फार्म हाउस है उनके मालिक होंगे या वहां पर जो काम करते होंगे उनसे क्या कुछ बातचीत हो पाई, कितने लंबे वक्त से यहाँ पर रह रहे थे और क्या क्या गतिविधियां इनकी थी? देखिए, जो फार्म हाउस है उसके केयर टेकर से हमने बात की, उसके केयर टेकर ने ही ये बात बताई कि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ ठहरे हुए थे, उनकी पूछताछ के लिए पुलिस आई, 3 से 4 गाड़ियां पुलिस की आई और उन्होंने पूछताछ की, कुछ आधे से 1 घंटे तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, फिर अचारपुरा के 2-3 फार्म हाउस पर सर्चिंग करने के बाद वो यहाँ से रवाना हुए। और उसी के तहत तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर अचारपुरा एक सेफ पॉइंट माना जाता है, शहर से 20 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर रुककर उन संदिग्ध लोगों ने सारी तरह की ट्रेनिंग ली है और उसके बाद यहीं से वो अगला मूवमेंट अपना तैयार कर रहे थे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। और इसी बीच बड़ी खबर, बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बलौदा बाजार से भाटापारा शहर पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है, चाकू लहराने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा गया है, नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं बलौदा बाजार से। ये बड़ी खबर है, आरोपियों के पास से 2 चाकू भी बरामद किए गए हैं। चाकू लहराने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा गया है, कार्रवाई की गई है, बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। भाटापारा शहर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, चाकू भी जब्त किया है, चाकू लहराने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा गया है, नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।
कवर्धा में बिजली कार्यालय का घेराव किया गया। बिजली कार्यालय का घेराव देखने को मिला। जेसीसीजे कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। बिजली की लचर सेवा का विरोध भी किया गया। पंडरिया स्थित बिजली दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया। 15 दिनों में व्यवस्था सुधारने की मांग की गई। जगदलपुर से बड़ी खबर है। बिजली समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। बिजली ऑफिस पर हंगामा किया। बिजली कटौती की समस्या को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। समाधान नहीं होने पर ताला जड़ने की चेतावनी दी गई है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। अंबिकापुर में अंग्रेजी शराब की बोतल में तैरता मिला कीड़ा। गुस्साए ग्राहकों और सेल्समैन के बीच हुआ विवाद। गाड़ाघाट शराब दुकान का मामला। कोरबा में पेट्रोल पंप पर बाइक में लगी आग। किक मारते ही धू धू कर जलने लगी मोटरसाइकिल। पेट्रोल पंप पर मचा हड़कंप। रायपुर में डोसा खाने के बाद पैसे नहीं देने पर नाबालिग लड़की को जमकर पीटा। बस स्टैंड पर तीन महिलाओं ने की पिटाई। टिकरापारा पुलिस ने की कार्रवाई। कांकेर के सिकसोड़ थाना क्षेत्र में तेंदुपत्ता के फड़ में लगी आग। लाखों रुपए के नुकसान। नक्सलियों पर आग लगाने की आशंका। पेंड्रा में नाका के पर्कुलेशन टैंक पहुंचा हाथियों का दल। कई दिनों से मरवाही वनमंडल में डाला है डेरा। जान जोखिम में डालकर हाथियों को देखने पहुंच रहे लोग। कवर्धा में ट्रक ने मारी कार को जोरदार टक्कर। बाल बाल बच्चे कार सवार तीन लोगों को आई हल्की चोटें। चिल्फी थाने के चिल्फी घाटी की घटना। कोरबा में मानसून की तैयारियों को लेकर एसएससीएल के सीएमडी ने गेवरा खदान का किया निरीक्षण। खदान विस्तार की योजनाओं की हुई समीक्षा। इस साल 7 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ राउंड अप के बुलेटिन में इतना है।